अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास जनरल मैथ के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें ट्रायंगल एबीसी दी हुई है, जिसकी मेजरमेंट्स ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर हैं, और रिक्वायर्ड के मुताबिक हमें इसके एल्टीट्यूड्स को ड्रा करना है। तो रिक्वायर्ड लिखते हैं टू ड्रा द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड टू मेजर देयर लेंथ्स। चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर्स है, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं लेंथ में, इसलिए हम बी से और ए से 5 सेंटीमीटर लेंथ की ही आर्क्स लगा रेडियस की ही आर्क्स लगाएंगे। कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोल के तो बी पे रख के और ए पे रख सेंटर ए को लेते हुए आर्क्स लगाएंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट सी पर। पॉइंट सी को बारी बारी ए और सी से मिलाएंगे, ट्रायंगल एबीसी के बाद ड्रॉ करने के बाद हम इसके पहले साइड्स को एक्सटेंड करेंगे ए साइड पे और बी की तरफ। इसी तरीके से ए सी को अगेन ए की तरफ एक्सटेंड करेंगे और बी सी को बी की तरफ। एल्टीट्यूड्स के लिए बी को सेंटर लेते हुए किसी भी मुनासिब रेडियस की कंपास खोलेंगे और बी को सेंटर लेते हुए बी के ऑपोजिट साइड ए सी पर आर्क लगाएंगे, इस तरह से कि ए सी पर हमें दो पॉइंट हासिल हो जाएं। इसी तरीके से सी से हम ए बी पर दो पॉइंट हासिल करने के लिए आर्क लगाएंगे और फिर ए से भी ऑपोजिट साइड बी सी पर आर्क्स लगाएंगे। अब ए सी पर जो दो पॉइंट हमें हासिल हुए एक आर्क की मदद से, इन दोनों को सेंटर लेते हुए इस आर्क को आप बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए इस पॉइंट पर एक आर्क रखकर आर्क लगाएंगे और फिर कंपास को इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे। इस तरह से जो पॉइंट हासिल हुआ उसे ऑपोजिट वर्टेक्स बी से मिलाएंगे, इस पॉइंट का नाम रखेंगे पी। याद रहे कि ये लाइन जब हमने ड्रॉ करनी है एल्टीट्यूड के लिए तो ए सी लाइन सेगमेंट ए सी से ऑपोजिट वर्टेक्स बी तक रहना है, इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। पी का नाम यहाँ रखने की बजाय अगर मैं यहाँ रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ये पॉइंट है पी। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की तरफ।